आज तो मजा आ गया। गोवा के इस बीच के बारे में क्यों कोई नहीं बताता? अभी मैं पूरा घूम के आया और मेरे मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही है, आज तो मजा आ गया। तो ऐसा क्या है इस बीच में और यह बीच कहाँ पर है और गोवा में क्यों कोई नहीं बताता इस बीच के बारे में? तो आज मैं इन सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा और साथ ही साथ मैं जब घूम के आया तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था। और जब यहाँ आया तो मन बिल्कुल रोम रोम रंगीन नुमा हो गया। तो चलिए और आगे चल के मैं आपको गोवा के इस बीच को दिखाता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बीच भी कहाँ पर है, नॉर्थ गोवा में। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीचेज इन नॉर्थ गोवा, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं और आप माहौल देख सकते हैं, रसियन ही रसियन एक लाइन से लेटे हुए हैं। अब ये बीच बहुत ही फेमस है रसियन लोगों में, लेकिन ये रसियन बीच मीन्स अरंबुल बीच नहीं है। तो कौन सा बीच है ये भी बताता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर विदेशी लोग आना बहुत ही पसंद करते हैं और आप जैसा माहौल देख के समझ गए होंगे कि इंडियन लोगों की संख्या बहुत ही कम है, या फिर ये कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर है। अब जब भी आप गोवा आते हो तो आपको केवल बागा एंड कलंगुट बीच ही दिखाया जाता है यूट्यूब में, चाहे आपके आपका जो टूर प्लानर हो वो आपको बागा एंड कलंगुट के बारे में ही या फिर अरंबुल के बारे में बताता है। इन बीचों के बारे में क्यों कोई नहीं बताता? क्योंकि ये बीच जो है ना वीआईपी लोगों के लिए है और भारत के फेमस लोग इसमें आते हैं और विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आके अपनी मौज मस्ती करके जाते हैं। तो ये है नॉर्थ गोवा का ओजरान बीच और कुछ लोग इसे लिटिल वागा टूर बीच भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक कोस्ट लाइन है और कुछ लोग इसे लिटिल वागा टूर बीच कह देते हैं, कुछ लोग ओजरान बीच कह देते हैं। बट ये नॉर्थ गोवा में है, बहुत ही अच्छी लोकेशन में है। अब लिटिल वागा टूर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी रास्ते में अगर आप आगे जाओगे लगभग 1 किलोमीटर पैदल, तो आपको मेन वागा टूर बीच मिल जाएगा, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो इंडियन यूट्यूबर है टूर प्लानर क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों को बागा एंड कलंगुट ही पता है और नॉर्मली यूट्यूब में जस्ट वीडियो देख के वही वीडियो बना देते हैं। ऐसे बीच आपको केवल मैं बताता हूँ और ऐसे बीच और बताता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।